नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लेते हैं कि छोटे से बच्चे का जन्म घर में होता है और हम उसके दादाजी हैं, तो उनको अगर हम 10 लाख रुपया गिफ्ट कर देते हैं, ये सोच के कि उनका जब एज 30 साल होएगा ये पैसा उनको गिफ्ट होगा, तो मात्र 10 लाख रुपया आज उनको गिफ्ट कर देते हैं और वो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, SBI, HDFC, ICICI म्यूचुअल फंड में लगा के छोड़ दें 30 साल के लिए, और मात्र 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे, तो 10 लाख का वैल्यू 30 साल के बाद होता है 2 करोड़ 99 लाख रुपया। जबकि 13% का रिटर्न अगर कैलकुलेट किया जाए तो यही 10 लाख रुपया 30 साल के बाद बनता है 3 करोड़ 91 लाख रुपया। 14% के रेट से ये मेच्योरिटी वैल्यू बनता है 5 करोड़ रुपया, जबकि 15% के रेट से ये वैल्यू होता है 6 करोड़ 62 लाख रुपया। मात्र 10 लाख रुपया जो हम आज उनके नाम पे गिफ्ट के नाम पे छोड़ देते हैं, और आने वाले 30 साल के लिए 15% के रेट से 6 करोड़ रुपया बनता है। फिर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि राजू 30 साल के बाद 6 करोड़ का क्या वैल्यू होगा यार, उस समय इतने दिनों के बाद 6 करोड़ का तो कुछ वैल्यू नहीं होगा। ये कुछ वैल्यू नहीं होगा ये हम बोलने के लिए बोल सकते हैं, पर मैथमेटिक्स के रूप में इसको देखते हैं कि आज का प्रेजेंट वैल्यू जो 2 करोड़ रुपया है, 30 साल के बाद 4% का इन्फ्लेशन हो तो इस 2 करोड़ का वैल्यू 30 साल के बाद बनता है 6 करोड़ 48 लाख रुपया। मतलब जो चीज हम आज 2 करोड़ में खरीद रहे हैं, 30 साल के बाद वही चीज खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपया हमें लगाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, जबकि इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो आप देख सकते हैं जो आपने 10 लाख रुपया आज गिफ्ट किया वो इक्विवेलेंट टू है 2 करोड़ रुपए के आज के प्रेजेंट वैल्यू के। लेकिन ये उनको मिलेगा कब? 30 साल के बाद जो 6 करोड़ रुपया मिलेगा, उस 6 करोड़ में उतना ही चीज खरीद सकते हैं जितना कि आज प्रेजेंट डे में 2 करोड़ रुपया का वो खरीद सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप 10 लाख रुपया आज गिफ्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में वो 2 करोड़ के बराबर है। तो उनके नाम पे जमीन प्लॉट फ्लैट ना खरीद के आप 10 लाख रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में गिफ्ट कीजिए। मैं फंड का नाम बता देता हूँ, SBI मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI ग्लोबल फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, कितने सारे फंड है जो पुराने एग्जिस्टिंग फंड है, वहां पे आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ ज्यादा पर्सनली जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4-5 फैमिली मेंबर मिलके आप हमसे गूगल मीट पे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।